So can we have our next contestant? कर्म से बन जा तू एक इंसान या करके तू कांड बन जा शैतान होगा कर्म या कांड। Hi. Hello everyone. Hello, hello, hello. कितना nervous और कितना excited है तू? Sir, excited तो बहुत हूँ और nervous तो 1% नहीं हूँ। 1% भी नहीं है? नहीं हूँ। अपना दिन भी शुरू करता हूँ ना तो मैं यही सोच के शुरू करता हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसी कोई चीज ना रह जाए जो मेरे को आगे जाके अचीव करनी हो और मैं उस पे आज काम ना कर पाऊँ। And he's just 18 years old. Yeah, I've represented India when I was 14 and won gold medal against 13 countries. Wow. Can I show you some fighting moves? Yeah, of course. Yeah, yeah, sure, please. That's all. Thank you so much, sir. Yeah. किसमें represent किया तूने? मेंस फिजिक। तो फिर भाई वॉक करते हैं, पर टी शर्ट उतार दे, फिजिक तो दिखा दे अपनी यार। मैं बॉडी बनाकर आया हूँ, क्या दिखा? मेहनत की है बॉडी पे। Yeah. Thank you. अभी तेरी एज कितनी है? 18। तूने साइकिल कौन सी एज में चलाया था? 14 का था जब। 14 की एज में तूने? हाँ, वो मैंने मुझे नहीं पता था तो हुआ क्या, मैंने 13 साल की उम्र से लिफ्ट करना स्टार्ट करा था। तो एक ट्रेनर था, नॉर्मल जिम होते हैं ना, तो मैंने बोला, मैंने कहा मेरे को कम्पीट वगैरह करना है, तो कह रहे अच्छा ठीक है कराते हैं, तेरे को मैं टैबलेट्स दूंगा और एक पाउडर दूंगा जो तेरे को डेली पीना है। तो मैंने मम्मा को बोला, मम्मी कह रही तू मेरी पहले एक बारी कोच से बात करा, वो क्या देंगे। मैंने बात कराई तो उन्होंने मम्मी को बोला मल्टी वाइटामिन की टैबलेट्स वगैरह होंगी और उससे क्या होगा, इसकी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी, ये वर्कआउट में ज़्यादा पुश कर पाएगा। तो मम्मी ने बोला ठीक है। 3 हफ्ते के बाद पता चला कि वो मेरे को क्या यूज़ करवा रहा था। मेरे को एक बात बता, तूने उस ट्रेनर के बारे में क्या किया उसके बाद जब तुझे पता लगा कि उसने ऐसा गलत किया? मैंने जिम ही छोड़ दिया, मेरे पेरेंट्स ने मेरा जिम छुड़वा दिया और मैंने फिर कम्पीट भी नहीं करा। इनफैक्ट मेरे पापा उस पर केस भी करवाने वाले थे कोच पे। प्लीज करवाना चाहिए, मेरे पापा को बोलना करवा देना, वो पता नहीं तेरे से कितने बच्चों को खराब कर रहा होगा। पापा करवा, एक को करवा चुके सर। लोगों को बॉडी बनाने का बड़ा शौक है लेकिन टाइम देना नहीं चाहते, नहीं देना चाहते, उनको एक शॉर्ट बाईपास पकड़ के फटाफट पहुंचना है। फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग जो भी आप दुनिया में जाओ, इट्स ए प्रोसेस। पर भाई बहुत छोटी एज में एनाबॉलिक देना मतलब क्या है, जो बॉडीज क्लीन होती है ना पता चलती है कि क्यों क्लीन है और क्या उनमें गलत चीजें नहीं डाली गई। नहीं गई, हाँ। इट टेक्स इयर्स एंड इयर्स टू मेंटेन बॉडी की, अगर आप 10 साल बाद 15 साल बाद भी दिखाओगे तो फिट दिखोगे। आपको सिक्स पैक चाहिए नहीं चाहिए वो सब मायने नहीं रखते अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है। यू हैव टू बी हेल्दी। इससे आपकी मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। और उसके बाद से आई स्वेयर ऑन माय मॉम आई एम वर्किंग माय एस ऑफ। सर मैं दिन में 3 बार ही चाहता हूँ, आज की डेट में मेरा कोई फ्रेंड नहीं है जस्ट बिकॉज मैं उनके साथ पार्टिंग नहीं करता। बस हाँ मैं डिसिप्लिन बहुत हूँ, मैं अपनी एज में अपने आगे किसी को नहीं मानता कि मेरे इंडिया में मेरे से जितना डिसिप्लिन 18 ईयर ओल्ड को ही होगा। एडी दैट्स अ ह्यूज क्लेम। एडी जब मैं 18 साल का था ना मुझे नहीं ना पता होता था कार्ब्स क्या है ना मुझे पता था प्रोटीन क्या है, तभी मैंने बॉडी बनाई थी, तभी भी सिक्स पैक रखे होते मैंने, तो मैं भी डिसिप्लिन था। मैंने तो कभी नहीं किसी को बोला कि मैं इंडिया में मेरे से ज़्यादा कोई डिसिप्लिन नहीं है।